नवी मुंबई आवाज और रफी स्पैंगलम्बे प्रेजेंट्स नवी मुंबई आइडल। एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं नवी मुंबई आवाज और रफीस फैन क्लब मुंबई प्रेजेंट्स नवी मुंबई आइडल में। और आज का ये एपिसोड शूट हो रहा है नवी मुंबई आइडल के सेकेंड राउंड के कंटेस्टेंट्स के साथ यहां पे सिडको अर्बन हार्ट में, जो आज के हमारे वेन्यू पार्टनर हैं। आगे मैं बढ़ता हूं और आगे मैं अगले कंटेस्टेंट को बुला रहा हूं। कौन आ रहा है? नवेश्री भट्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सारे बच्चों की जो फौज है वो एक एक करके एक आने वाली है। सब लोगों ने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और कुछ तो चैटिंग चालू है, दैट इज श्योर। क्या सुना रहे हो सबको? यश कहाँ है? ओके, ये इश्क़ हाय बैठे बिठाए दन दिखाए हाँ, ओ रामा ये इश्क़ हाय बैठे बिठाए दन दिखाए हाँ।
क्या बात है, मुझे अच्छा लग रहा है कि ये बच्चे अभी जो स्टार्ट किए हैं नवी मुंबई आइडल के फर्स्ट राउंड से लेकर जो इम्प्रूवमेंट इनमें देख रही है, मुझे लगता है कॉन्टेस्ट सॉलिड टफ होने वाला है। सर कहिए कुछ। वही जो पहली वाली बात थी, सुर और ट्रैक सुनना है आपको, जितना ज्यादा आप सुने। एंजॉय आपने काफी किया, जो परफॉर्मेंस वाला पॉइंट था वो काफी अच्छा रहा, लेकिन सुर ताल भी ठीक थे लेकिन सुर का कमी था। ठीक है, प्लस यू विनायक सर। जैसे गाने की जो साइन लाइन है, मुखड़ा जिसे बोलते हैं, वो बहुत बार आता है पूरे गाने में, तो मैंने देखा हर टाइम आपके सुर नहीं लगे थे। आपने अच्छी तरह से सुना है गाना? हाँ। गाने के साथ में गाती हो कि बाद में खुद गाती हो? गाने के साथ में गाती। वही गलती हो जाती है, गाने के साथ में हम लोग गाते हैं ना, तो उसके सुर में हम अपना सुर कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है पता नहीं चलता। ओके, ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत जन्नत दिखाए, हाँ हाँ हाँ, ये सुर लगना चाहिए। पूरी तीन चार बार जितनी बार आई वो लगा ही नहीं था। जो भी है, लेकिन वो अच्छी तरह से आया नहीं जो है। ओके, सुनना अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा गाना तुम्हें। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हमारे अगले कंटेस्टेंट आ रहे हैं स्टेज पे, सलीम सनदी। तो क्या परफॉर्म कर रहे हैं आज आप? आज मेरे सपनों की रानी पेश कर। कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं, तभी नहीं गा पाए ना, अभी इसलिए गा रहे हैं। आज आज क्या बात है। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। We'll be right back.
क्या बात है, अच्छा लग रहा है आपको इस उम्र में, आप जो कॉलेज के जमाने के दिन याद कर रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय कर रहा हूँ। सर आप कहिए, आपकी उम्र बताइए ना जरा। मेरी 59 कंप्लीट, 860 रनिंग। क्या बात है, इस उम्र में आप मतलब गा रहे हैं, यही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। गाते रहिए और भी गाते रहिए। और मतलब आप इस पे इसको किस दिशा में देख रहे हैं आप? मैं चाहता हूँ, मैंने वैसे तो मेरा ये शुरू से एक हॉबी रहा है। ओके। और अभी चाहता हूँ कि आगे की जिंदगी भी संगीत में बिताऊं और खुश रहूं। बहुत और बढ़िया, इसमें कुछ तरक्की भी करूं। बहुत बढ़िया, आप गाते रहे, एंजॉय करते रहे और ऐसे ग्रुप के साथ जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू, बिल्कुल सही पकड़े हैं, लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो, यही बात अच्छी है। मतलब कॉम्पिटिशन्स तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जिंदगी जो जीने का अंदाज है वो ऐसे गानों से ही मिलता है। तो बहुत अच्छा गाया आपने और सुर में गाया, बस यही है कि हो सकता है आपका रियाज नहीं है और एज की वजह से सुरों में ठहराव नहीं आ पा रहा है, एक स्ट्रेटनेस होना चाहिए, फर्मनेस होना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये जैसे आप गाते चले जाएंगे वो इम्प्रूव होता चला जाएगा इसमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नवी मुंबई आवाज और रफीज फैन क्लब मुंबई प्रेजेंट्स नवी मुंबई आइडल। जिंदगी गले लगा ले